हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबनम फैज और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के ऊपर। ये एक हार्मोन है जो कि आपके यहाँ पे नेक पे थायरॉयड ग्लैंड होता है। इस थायरॉयड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का हमारे बॉडी पे डिफरेंट पार्ट्स पे बहुत सारे एक्शन है। तो आगे के वीडियो में मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर डिस्कशन करना है, तो मैंने सोचा उससे पहले आपको थायरोक्सिन हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन बता देते हैं कि हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, जिससे आप कोरिलेट कर सकोगे कि अगर ये सारे फंक्शन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन आपके बॉडी में कम होता है तब आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, अगर बढ़ जाता है यही हार्मोन तब आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग देखते हो कॉमनली अभी बहुत ज़्यादा थायरॉयड, जो कि कॉमन लैंग्वेज हम लोग थायरॉयड बोलते हैं, बहुत सारी लेडीज़ को, स्पेशली जो ओबीज वुमेन होती हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा थायरॉयड देखने को मिलता है। आप लोग, आपको हर एक घर में कॉमनली फीमेल्स मिल जाएंगे जो कि थायरॉयड से सफ़र कर रही हैं। तो ये जो थायरॉयड आपको ईजिली देखने को मिलता है ना, वो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ये हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है, ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कम कर देता है किसी कारण से, जिससे क्या होता है कि आपके बॉडी में जितने भी थायरोक्सिन के फंक्शंस थे वो सारे डिक्रीज हो जाते हैं। फिर आपको बाहर से मेडिसिन फॉर्म में थायरोक्सिन लेना पड़ता है, टैबलेट फॉर्म में, ताकि आपके बॉडी को थायरोक्सिन मिले। और इसीलिए मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि थायरोक्सिन का हमारे बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले थायरोक्सिन जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट रखता है, एकदम स्टिमुलेट करके रखता है। मेटाबॉलिज्म एक चीज़ होती है जिससे हम लोग जो भी फूड खाते हैं ना, वो फूड को एनर्जी में चेंज कराता है, और वो एनर्जी हमारे डिफरेंट, हम लोग जितने भी काम करते हैं, चाहे वो सोना हो गया, खाना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बात करना हो गया, ये वॉक करना हो गया, नॉर्मल कुछ भी हम लोग वॉक करते हैं, तो यही एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ होता है। तो अगर आपके बॉडी से थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है कि जो भी आप खाना खाओगे वो ईजिली एनर्जी में चेंज नहीं होगा, आपका बॉडी वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वो खाना का डाइजेशन सही प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और वो खाना क्या होगा, आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एक्युमुलेट होने लगेगा, जिससे आपका क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है। आप देखोगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो लोग भी शिकार हैं थायरॉयड नामक बीमारी का, उन लोगों का वेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम हो जाता है। वो लोग जो भी खाना खाते हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, उनके बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है। अगर वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, वो एनर्जी फॉर्म में चेंज हो जाए, तो वो एनर्जी फिर फर्दर यूज़ हो जाता है। बहुत सारे आपको ऐसे पतले लोग देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे खाना खाते हैं, फिर भी उनका जो वेट है, बॉडी में फैट है, वो नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है। वो जो भी खाते हैं उनका बॉडी क्या करता है, उसको एनर्जी में चेंज कर लेता है, और फिर वो एनर्जी यूज़ हो जाता है। बट जो जितने भी लोग हेल्दी हैं, बहुत मोटे, वो बोलते हैं हमेशा कि हम बहुत कम खाते हैं बट फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। तो आप कुछ भी खाते हो ना, तो वो खाना डाइजेशन सही से नहीं होता है, आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलता है, और वो खाना आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे स्टोर हो जाता है, और आपका वेट को वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो इसका बहुत बड़ा रोल थायरोक्सिन हार्मोन का है। थायरोक्सिन हार्मोन आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म को एकदम स्टिमुलेट रखता है, एक्टिवेट रखता है। आपके बॉडी में अगर थायरोक्सिन हार्मोन है तो आप जो भी खाना खाओगे वो ईजिली डाइजेशन होगा, उससे एनर्जी फॉर्म में आपको मिलेगा और आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा। सबसे फर्स्ट चीज़ तो ये है कि थायरोक्सिन हार्मोन का ये फंक्शन होता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है, वो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना, उसको ये मेंटेन करके रखता है थायरोक्सिन हार्मोन। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहने का मतलब है कि जो हमारा माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, इन सारे में क्या होता है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग जो फूड खाते हैं ना, वो फूड गले से पेट में जाता है, फिर पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वो स्टूल बन के बाहर आ जाता है। इस वेव लाइक मूवमेंट के कारण पूरा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ट्रैक्ट जो है ना, उसमें वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कहने का मतलब कि कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप कुछ भी खाना खाओगे वो आपका एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक रहेगा, आपको स्टूल पास सही से नहीं होगा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसके बाद
ये हमारे इंटेस्टाइन में जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेशन होने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ से उसका जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो वहाँ से एब्जॉर्ब होता है और इंटेस्टाइन में ही जाके एब्जॉर्ब होता है। पेट में जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में होता है, थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन में होता है, बट इंटेस्टाइन से जितने भी फूड्स के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें वहाँ से एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे पहुँचाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कराता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। उसके बाद हमारे टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करके रखता है, जो हमारा टंग होता है ना उस पर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं, जो हम लोग मीठा खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम लोग स्वीट्स लिए हैं, सॉल्टी फूड लिए हैं या बिटर लाइक कड़वा चीज़ लिए हैं, सारे चीज़ हमें ज़बान से ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, आपके टेस्ट बर्ड्स को भी मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन होता है ना, जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है, उसको भी स्टिमुलेट करके रखता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपके बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी सिंथेसिस और क्वांटिटी कम हो जाएगा, जिससे आपका फूड जो है वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका पहला फंक्शन था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। दूसरा, इसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हार्ट पे जो बहुत बड़ा फंक्शन होता है थायरोक्सिन हार्मोन का, वो होता है कि ये हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट कराता है। जो ऐसे नोड होते हैं ना हमारे हार्ट में, नोड्स होते हैं ऐसे नोड, एवी नोड, जहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है और हमारा हार्ट जो है वो अपना फंक्शंस करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला फंक्शंस को प्रॉपरली करता है। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ऐसे नोड को स्टिमुलेट कराने में हेल्प कराता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर है। वहाँ से यह क्या करता है, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना उसको स्टिमुलेट करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ब्रेन का यूनिट होता है, न्यूरॉन्स से इम्पल्स को लेके आता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स तक, मसल्स तक, जो सिग्नल्स होता है ना उसको लेके आता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ भी आपको फील होता है तो वो वहीं से सिग्नल आते हैं। कुछ भी आपको, किसी ने गर्म चीज़ आपने छुआ तो आपको फील हुआ, किसी ने आपको चींटी काटा तो फील हुआ, ये सारे ब्रेन से वहाँ तक सिग्नल्स आते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का वर्क होता है। तो जो थायरोक्सिन होता है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है जो फीमेल गोनैड्स होते हैं उसके ऊपर, बहुत बड़ा इसका फंक्शन है। जो इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है यूट्रस के अंदर, जो आपको मेंसेस के दौरान वो ब्रेकडाउन होके बाहर आता है, तो इंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन में ये हेल्प कराता है। दूसरा, आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करके रखता है, यानी कि जो 28 डे का साइकिल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और तीसरा, ये आपका जब जो फीमेल होती है जिनका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है आफ्टर डिलीवरी, उस लैक्टेशन पीरियड को भी ये मेंटेन करके रखता है। तो अगर वैसी फीमेल्स जिनके बॉडी में जो थायराइड से सफरर है, तो उनको क्या होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जैसे ही उनके बॉडी में कम होता है तो उनको बहुत सारे कंप्लेन आने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल कंप्लेन आने लगता है। अगर वो लैक्टेटिंग मदर हैं तो उनके मिल्क फॉर्मेशन में कमी आ जाती है। तो ये सारी दिक्कत का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है हमारे बोन मैरो के ऊपर, जो वहाँ से एरिथ्रोपोइसिस का जो फॉर्मेशन फंक्शन होता है, यानी जो हमारे बॉडी में आरबीसी बन रहे हैं बोन मैरो से, वो आरबीसी को बनाने में हेल्प कराता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो आप देखो कि जैसे ही अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपके बॉडी में क्या होगा, धीरे धीरे आरबीसी की भी कमी होने लगेगी। अगर आप उसको डिटेक्ट नहीं किए हो, बाहर से थायरोक्सिन नहीं ले रहे हो, तो आपके बॉडी में आरबीसी की कमी होने लगेगी, क्योंकि बोन मैरो क्या होता है, थायरोक्सिन फॉर्मेशन को डिक्रीज करने लगता है। तो थायरोक्सिन का बहुत बड़ा रोल है आपका आरबीसी के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है आपके स्किन पे इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी हेल्प कराता है। वहाँ से जो सीबम का फॉर्मेशन होता है उसमें ये हेल्प कराता है। और लास्ट, इसके जो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गेन होते हैं ना, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, इन सभी पे इसका रोल होता है और इन सभी को ये वर्क प्रॉपरली कराने में थायरोक्सिन हेल्प करता है। तो ओवरऑल पता चलता है कि थायरोक्सिन हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स पे इसका एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे हेयर्स पे भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सभी चीज़ को नॉर्मल फंक्शन कराने में ये बहुत हेल्प करता है। तो अब आप कोरिलेट कर सकते हो कि अगर किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपो मतलब होता है कम, तो उनके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, तो जितने भी मैंने अभी सिम्टम्स बताया ना, वो सारे सिम्टम्स उनके बॉडी में कम हो जाएंगे। और अगर कोई पर्सन हाइपरथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहा है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, उनके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो ये सारे फंक्शंस उनके बॉडी में इंक्रीज़ कर जाएंगे। जैसे सिंपल सा फीमेल में जो फंक्शन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उनके मेंसेस प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे।
ठीक है, ओके अल्लाह। तो ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी, या तो कम होगा या बढ़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर, उसके लैब डायग्नोसिस के ऊपर, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के ऊपर, फिर फर्दर हम लोग आगे हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि नेक्स्ट इसका टॉपिक है, तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।